और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ में TRF के 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। बड़ी जानकारी, श्रीनगर के जकूरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई और इखलाक हाजम के रूप में एक आतंकी की पहचान हुई है। और हसनपुरा में हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल रहा था ये आतंकी, जिसे अब ढेर किया गया है और आतंकियों के पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जकूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा यानी TRF के 2 आतंकी मारे गए हैं। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों आतंकवादियों में से एक की पहचान इखलाक हाजम के रूप में की जा चुकी है। वो अनंतनाग के हसनपुरा में हाल ही में हुई हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी की हत्या में भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी ये भी दे दें कि 2 पिस्टल आतंकवादियों के पास से बरामद की गई है। तो IGP कश्मीर ने इसकी जानकारी खुद दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस मुठभेड़ में, सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। हसनपुरा में हुई हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल बताया जा रहा है जो आतंकी ढेर किया गया है। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ में TRF के 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। श्रीनगर के जकूरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। हमारे संवाददाता रईस वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रईस, इस मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ अभी ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जकूरा श्रीनगर की बात करें, वहां पे काफी समय में ये माना जाएगा कि शूट आउट था, क्योंकि पहले ही फौज और पुलिस को इतला थी, इनपुट था कि वहाँ पे एक घर में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जो हमें विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जो मिलिटेंट छुपे हुए थे, और ये तो जो मिलिटेंट थे ये TRF संगठन के थे, और दोनों में से जो है एक मिलिटेंट जो IGP ने ट्वीट करके बताया, जो कि इखलाक हजाम, जो कि TRF संगठन का है, जो हाल ही में एक पुलिस कॉन्स्टेबल अली मोहम्मद गनई, जो की हसनपुरा का बिजबारा का रहने वाला था। सर्च ऑपरेशन जारी है पुलिस का, सुरक्षा बलों का? जी मनीषा, अभी जो है ये खत्म हो चुका है, क्योंकि ये काफी समय, कम समय में जो है एनकाउंटर खत्म हुआ, और पुलिस को पहले इतला तो मिली थी कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे और 2 मिलिटेंटों की मारे जाने की खबर, और एनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है। रईस, आतंकियों के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, इसके अलावा क्या कुछ? जी मनीषा, आपको मैं बता दूं कि 2 पिस्टल जो है इनसे रिकवर किया गया है, और वहाँ पे जो है अभी सर्च ऑपरेशन आगे के वहाँ पे खत्म हो चुका है। अलबत्ता जो ये बॉडीज है इनको अपने तवील में लिया गया है फौज ने, और वहाँ पे जो है अभी जो एरिया है वो अब आर्मी ने छोड़ दिया है, और अभी जो है इनको खत्म हो गए हैं। रईस, एक जो आतंकवादी है जिसको ढेर किया गया, उसकी पहचान भी की जा चुकी है इखलाक हाजम के रूप में, क्या दूसरे की पहचान, क्या शिनाख्त हो पाई है? जी मनीषा, एक की पहचान हो चुकी है, कि मैंने पहले ही बताया कि IG का जो ट्वीट आया है, ये इखलाक हजाम जो है ये वही मिलिटेंट है जिसने पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी थी, जो वो अपने गांव में छुट्टी के लिए गया था। और दूसरा मिलिटेंट की जो अभी पहचान नहीं हो पाई है, अलबत्ता ये उसकी पहचान करना बाकी है, एक मिलिटेंट को जो है पहचान हो चुकी है। ठीक रईस, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद रईस आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। बड़ी जानकारी, श्रीनगर के जकूरा इलाके में मुठभेड़ हुई आतंकियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच में, जिनको सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई है। 2 आतंकियों को इस मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया।